नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का चैनल के ऊपर मोस्ट एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम घातांक के सवाल करेंगे। भाई घातांक के सवालों को हम सोल्व कैसे करते हैं, अगर एग्जाम के अंदर आते हैं तो उनकी पावर होती है तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना, वीडियो पर बने रहना है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हम आज का हमारा टॉपिक है घातांक के सवाल। क्वेश्चन नंबर एक हमारा है 64 की पावर 1/2, और क्वेश्चन नंबर दो है हमारा 32 की पावर 1/5 है, और क्वेश्चन नंबर तीन हमारा 125 की पावर 1/3 है, और क्वेश्चन नंबर चार है हमारा 256 की पावर 1/4 है। तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो प्लीज दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, हमारे पास कितना है 64 की पावर 1/2 है। तो जो हमारे पास जो 64 जो संख्या दी गई है उसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, जिसको हम गुणनखंड बोलते हैं उसके हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करते हैं हम इसके 64 के, हम सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। तो इसको गुणा में रखते हैं हम, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, और 32 × 2 = 64। तो हमारे इसके फैक्टर हो चुके हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास दो कितनी बार आया इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपको ऐसे फैक्टर करना आता है तो ठीक है, नहीं हम उसको ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 64 को देखेंगे हम, सबसे पहले हम 2 पे ले जाते हैं, तो 2 से करेंगे हम 32 × 2 = 64, और 2 से करेंगे फिर 16 × 2 = 32, उसके बाद 2 × 8 = 16, और 2 × 6 = 8, और 2 × 2 = 4, और 2 × 1 = 2। तो इस प्रकार हम गुणनखंड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे आते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 की पावर हमारे पास कितनी है, 2 की पावर हमारे पास 6 है, और 1/2। अब इस पावर को हम क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। अगर हम इस पावर को बाहर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो 2 बेस ले लेते हैं हम इसका, पावर हमारी 6/2, इसके नीचे हम 1 रख लेते हैं। अगर पावर हम इसकी बाहर निकालते हैं तो इसको हम गुना में रखते हैं, 1/2 हम रख लेते हैं। अब इस संख्या को हम काटेंगे पावर को, इससे कटेगा, 2 × 2 = 2, और 2 × 3 = 6। तो 2 की पावर हमारे पास कितनी आएगी, 2 की पावर आएगी हमारे पास 3। अब 2 को हम क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो 8 इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसी तरह हम करेंगे, जैसे 32 का दिया गया है, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। तो उसी तरह हम कर सकते हैं, 2 × 2 × 2, और इसको हम ऐसे रखेंगे, 1/2 कितनी है, 5 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर हमारे पास कितनी आई है, 5 आई है, और हम 1/5 इसकी रखेंगे। इसी तरह हम इसकी पावर क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो 2, 5/1 गुना में हम 1/5 रख लेते हैं, 5 से 5 कटेगा, 1 से कटेगा। तो 2 के पास हमारे पास कुछ भी पावर नहीं बची है, तो हम एक पावर खुद ही होती है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका आंसर यही आएगा, क्योंकि इसके पास हमारे पास कोई भी पावर नहीं है, तो इसका आंसर हम यही लिखेंगे इसके अंदर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ करते हैं। अब जैसे हमारे पास कितना है, 125 दिया गया है, तो 125 का हम करेंगे, ये कितना में जाएगी संख्या, 5 से भाग हो रही है, इसको हम 5 से करेंगे, 5 × 5 × 5, और 1/2 कितना आएगा, 3 आएगा। अब 1, 2, 3, तो 5 की पावर हम कितनी बार रखेंगे, 3 बार रखेंगे, और 1/3 है, इसको मैं यहां कर देता हूं। इसको हम क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, 3/1 × 1/3। इसी तरह हम 3 से 3 काट देंगे, 1 से काट देंगे, तो 5 की पावर हमारे पास क्या बची है, 1 बची है, तो 5 × 5, इसका आंसर ये आएगा। इसी तरह हम अगली संख्या को पढ़ते हैं, हमारे पास 256 दिया गया है, तो 256 को हम करेंगे,
इसकी रखेंगे हम, ये कितना में जाएगा, दो से हो रहा है भाग तो दो पे कर लेंगे हम इसको, दो गुना दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, बत्तीस दुनी चौसठ, चौसठ दुनी एक सौ अट्ठाईस, और एक सौ अट्ठाईस दुनी कितना हो जाएगा 256। अब एक बटा चार पावर है हमारी, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, तो हम दो को कितनी बार रखेंगे, आठ बार रखेंगे हम, और एक बटा चार रखेंगे। इसी तरह हम इसकी पावर बाहर निकाल लेंगे, तो दो आठ बटा कितना रखेंगे, एक गुना में एक बटा चार, दो से हम दो, जीरो एक से एक काट देते हैं, चार एकम चार, चार दुनी आठ। अब हमारे पास दो की पावर कितनी बची है, दो, तो दो की पावर अगर दो बची है तो दो को हम दो बार गुना करेंगे, तो दो दुनी चार, तो इसका आंसर कितना आएगा, चार इसका आंसर आएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑल वाला बेल वाला ऑल वाला दबाना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल सके, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।